हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आरडी शर्मा की एक्सरसाइज 13.3 क्वाड्रिलेटरल्स। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि एक्सरसाइज 13.3 के मैं ऑलरेडी चार पार्ट बना चुका हूँ, पार्ट वन से लेके पार्ट फोर तक, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर वन से लेके क्वेश्चन नंबर एट तक को सॉल्व किया है। वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्योंकि यहां पर होगी सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, एडी इज प्रोड्यूस्ड टू ई सो दैट डीई इज इक्वल टू डीसी एंड ईसी प्रोड्यूस्ड मीट्स एबी प्रोड्यूस्ड इन एफ, प्रूव दैट बीएफ इज इक्वल टू बीसी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। देखिए, एबीसीडी आपको एक पैरेललोग्राम गिवन है, तो हमने यहां पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। इसके बाद एडी इज प्रोड्यूस्ड टू ई, यानी कि एडी लाइन को आपको एक्सटेंड करना है किस पॉइंट तक, ई पॉइंट तक। ओके, इसके बाद बोला गया है इस तरीके से आपको एक्सटेंड करना है कि डी ई जो है वो डी सी के बराबर हो जाए, है ना। यानी कि इस लाइन का जो मेजरमेंट है वही डी ई का होना चाहिए, है ना। यानी कि ये दोनों लाइन आपस में इक्वल होनी चाहिए। लेट से डी सी आपका 5 सेंटीमीटर का है, तो डी ई भी आपका 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। आगे बोला गया है एंड ई सी प्रोड्यूस्ड मीट्स ए बी, यानी कि ई और सी पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर दें, ये आपकी लाइन बन जाती है। और अगर ई सी लाइन को भी आगे हम एक्सटेंड कर दें, ओके, आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, तो ये कहाँ पर मिलती है, आपकी ए बी लाइन को भी एक्सटेंड कर दें तो ये एफ पॉइंट पर मिलती है। देखिए आगे यही तो बोला गया है, प्रोड्यूस्ड इन एफ। ओके, तो यहाँ पर ये आके कट करती है। अब आपको प्रूव करना है बी एफ इज इक्वल टू बी सी, यानी कि ये आपकी बी एफ है और ये आपकी बी सी लाइन है, तो ये दोनों लाइन आपस में इक्वल आपको प्रूव करनी है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। आपको जो भी गिवन है उसको आप यहाँ पर लिख लेंगे। गिवन क्या है बच्चों, आपको गिवन है कि जो ए बी सी डी है वो आपका पैरेललोग्राम है। ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, तो बच्चों अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा ट्रायंगल डी सी ई। ओके, ट्रायंगल डी सी ई, इस ट्रायंगल के अंदर थोड़ा ध्यान से देखें, दो साइड आपको इक्वल गिवन है, तो आपके अपोजिट एंगल्स भी बराबर हो जाएंगे। ओके, आपको मालूम है कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स इन अपोजिट टू देम, है ना, यही तो हमने पढ़ा था। आपके एंगल्स भी बराबर होंगे। अब बच्चों इसके बाद ये देखिए, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अगर मैं इस लाइन को एक्सटेंड कर दूं इस तरीके से, ओके, तो ये आपकी पैरेलल लाइन है, मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया जी। ओके, अब देखिए ये आपकी इस तरीके से बनती है, दो पैरेलल लाइन है और आपका ये जो एंगल है ये वाला और ये वाला, कौन सा एंगल बनता है पेयर बताइए, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। सो इन द सेम मैनर ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ओके, अगर आपका ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो ये एंगल इस एंगल के भी बराबर होगा। मेरी बात आ गई समझ में, क्यों, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल भी आपका बराबर है। ओके, अब देखिए इसके बाद आपको लेना है ट्रायंगल ए एफ ई, बड़े वाले ट्रायंगल में लेना है, छोटे के बाद आपको बड़े ट्रायंगल में लेना है, और वहां पर आपको साइड्स के बारे में लेकर आपको सॉल्व करना है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये तो था इसका ओवरव्यू कि किस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे। सबसे पहले आपको ये वाला ट्रायंगल लेना है। ओके, इसके बाद आपको ये पूरा का पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लेना है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको लेना है छोटा वाला ट्रायंगल पहले, इन ट्रायंगल डी सी ई। ओके, इसके अंदर आपको क्या गिवन है, डी ई इज इक्वल टू डी सी। ओके, ये आपको गिवन है। अब आप क्या बोल सकते हैं, जब आपकी साइड्स बराबर है तो आप लिखेंगे देयरफोर एंगल डी सी ई इसके बराबर होगा एंगल डी ई सी के। ओके, अब मान लीजिए ये आपकी इक्वेशन हो गई वन। मेरी बात आ गई समझ में, आपका ये वाला एंगल डी सी ई किसके बराबर होगा,
DECK, इसी बात को हमने यहां पर लिखा है। आप यहां पर रीजन लिख देंगे कि इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स अपोजिट टू देम। ओके, अब देखिए जो ए बी लाइन है आपकी, जो ए बी लाइन है वो किसके पैरेलल है, सी डी के। मेरी बात आ रही है समझ में, जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया है। ओके, ए बी जो है पैरेलल आपके किसके है, सी डी के। मेरी बात आ गई समझ में। अब इसके बाद देखिए आपका ये जो एंगल है डी सी ई किसके बराबर होगा, बी एफ सी के। किसके बराबर होगा, बी एफ सी के। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, एंगल डी सी ई किसके बराबर होगा, एंगल बी एफ सी के। मेरी बात आ रही समझ में। ये क्या है बेसिकली, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। आप लिख देंगे यहां पर पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। ओके, तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर टू। तो आप क्या कहेंगे, फ्रॉम वन एंड टू ये एंगल आपका किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, है ना। और ये हम क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। आप क्या लिखेंगे, देखिए डी सी ई जो है वो डी ई सी के बराबर है और डी सी ई एंगल आपका बी एफ सी के भी बराबर है। तो हम यहां पर लिख देंगे कि एंगल फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू आप क्या लिखेंगे कि आपका एंगल, इसको हम यहां पर लिख लेते हैं, आप लिखेंगे एंगल डी ई सी, डी ई सी किसके बराबर होगा, एंगल बी एफ सी के। ओके, ये एंगल आपका इस एंगल के बराबर हमने यहां पर प्रूव कर दिया। ओके, अब बच्चों मेरी बात को थोड़ा और ध्यान से समझना, आपको लेना है बड़ा वाला ट्रायंगल, कौन सा, ए ई एफ। तो चलिए हम यहां पर लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ए ई एफ। ओके, यहां पर आपको मालूम है कि आपका कौन सा वाला एंगल बराबर है, देखिए ये वाला एंगल इसके बराबर है। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ए ई एफ, ए ई एफ किसके बराबर है, ए एफ ई के। ओके, किसके बराबर है, एंगल ए एफ ई के। मेरी बात आ गई समझ में। ओके, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। देखो यही वाले एंगल हैं लेकिन इस बार हमने लिया है ट्रायंगल ए ई एफ में, तो हमने इस तरीके से लिख दिया क्योंकि अब ये बड़ा वाला आपका ट्रायंगल है। तो बच्चों इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर कहा कि इस बड़े वाले ट्रायंगल के अंदर आपके ये दो एंगल्स बराबर हैं तो अपोजिट साइड्स भी तो बराबर होंगी, तो आप क्या लिखेंगे, देयरफोर ए एफ इज इक्वल टू ए ई। ओके, देखिए ए एफ जो है वो ए ई के बराबर होगी क्योंकि अपोजिट एंगल्स आपके बराबर हैं। ओके, अब देखिए ए एफ को आप क्या लिख सकते हैं, ए एफ को आप लिख सकते हैं ए बी प्लस बी एफ। मेरी बात आ गई समझ में, आप क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी एफ। ओके, और ए ई को आप क्या लिख सकते हैं, ए ई को आप लिख सकते हैं ए डी प्लस डी ई। आप क्या लिख सकते हैं, ए डी प्लस डी ई। ओके, अब बच्चों इसके बाद क्या करना है उसको थोड़ा और ध्यान से समझिए। देखिए आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन था कि जो डी ई है वो डी सी के बराबर है, तो इस बात को हम यहां पर लिख लेंगे, क्या गिवन था, सिंस डी ई इज इक्वल टू डी सी। अब देखिए ए बी सी डी आपका एक पैरेललोग्राम है तो डी सी जो है वो ए बी के भी बराबर होगा। मेरी बात आ गई समझ में, क्योंकि ए बी सी डी आपका पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं, तो इक्वल होती हैं तो आप क्या लिखोगे, डी सी इज इक्वल टू ए बी। ओके, तो डी सी जो है वो ए बी के भी बराबर है, इस बात को आप यहां पर लिख सकते हैं। तो बच्चों इन द सेम मैनर आप क्या बोल सकते हैं कि जो ए डी है वो बी सी के बराबर होगी क्योंकि ये आपका पैरेललोग्राम है ए बी सी डी। ओके, तो जहां पर भी आपका ए डी लिखा होगा आप क्या लिख देंगे उसकी जगह, बी सी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, बी एफ इज इक्वल टू बी सी आपको प्रूव करना है। तो चलिए आप यहां पर लिख दीजिए, सिंस यू नो दैट ए डी इज इक्वल टू बी सी। ओके,
तो आप क्या करेंगे, जहां पर एडी लिखा हुआ है वहां पर आप क्या लिख देंगे, बी एफ इज इक्वल टू, एडी की जगह आप क्या लिखेंगे, बी सी। ओके, अब डी ई की जगह आपको क्या लिखना है, ए बी लिखना है। ए बी क्यों लिखना है, क्योंकि आपका एक ए बी यहां पर है, एक ए बी यहां पर हो जाएगा, तो वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा बी एफ इज इक्वल टू बी सी। ओके, तो आप लिख देंगे डी ई इज इक्वल टू ए बी। ओके, तो आप यहां पर लिखेंगे ए बी, तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा, बी एफ इज इक्वल टू बी सी। ओके, और यही आपको प्रूव करना था, तो ये आपका प्रूव हो चुका है। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम।